बरेली के महिला अस्पताल के एक मामले ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रखी है। आपको बता दें, जिला महिला अस्पताल में शनिवार को गर्भवती 2 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। कॉल करने के बाद भी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। मरीज अस्पताल के स्टाफ की रिश्तेदार थी। इसके बाद भी डॉक्टर का दिल नहीं पसीजा और 2 घंटे बाद खुद सीएमए को मरीज को देखना पड़ा, जबकि वो छुट्टी पर थी। दरअसल सीबीगंज के पास्टर कॉलोनी निवासी श्रीपाल की पत्नी मिथिलेश 2 महीने की गर्भवती थी। बीते दिनों ब्लीडिंग शुरू हुई तो दोपहर 12 बजे परिजन उन्हें लेकर जिला महिला अस्पताल पहुंचे। मरीज अस्पताल में काम करने वाली एक कर्मचारी की रिश्तेदार थी, जिस पर मरीज के आने पर तुरंत उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर मरीज को देखने को कहा, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को देखा नहीं। इस दौरान मरीज लेबर रूम में दर्द से तड़पती रही। वहीं रक्तस्राव लगातार होता रहा। जब 1 घंटा गुजरने पर भी किसी डॉक्टर ने मरीज को नहीं देखा तो कर्मचारी ने दोबारा डॉक्टर से संपर्क किया। इस दौरान डॉक्टर ने कहा कि मेरा केस नहीं है, मरीज को पीपीसी ओटी भेज दो। ऐसे में आरोप है कि मरीज को प्राथमिक उपचार तक नहीं दिया गया। महिला ने जब सीएमए को कॉल कर शिकायत की तो अवकाश पर होने के बावजूद वो तुरंत अस्पताल पहुंची और उन्होंने मरीज की जांच कर गर्भपात करवाया। परिजनों का आरोप है कि 2 घंटे तक डॉक्टर ने मरीज को नहीं देखा। ऐसे में अगर मरीज की हालत गंभीर हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता।